हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर इंग्लिश वीडियो। दोस्तों, इस इंग्लिश स्टोरी का हिंदी में ट्रांसलेशन देखेंगे और नए नए वोकैब, नए नए वर्ड मीनिंग्स, उसके साथ में इंग्लिश टू हिंदी किस तरीके से मीनिंग को फाइंड किया जाता है, इस टेक्निक को हम सीखने वाले हैं। और मैं ऐसा करता हूँ, डेली इस प्रकार के इंग्लिश स्टोरी के प्रैक्टिस से आप अपने इंग्लिश लैंग्वेज में, इंग्लिश स्पीकिंग में इम्प्रूव ला सकते हैं। ओके, सो विदाउट वेस्ट यू टाइम, लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो एंड लेट्स सी व्हाट्स इन द स्टोरी। उससे पहले कि इस स्टोरी का शीर्षक देख लेते हैं, टाइटल क्या है, तो वो है आपका द वीक कैन बी स्ट्रॉन्ग टू। यानी वीक का मतलब होता है कमज़ोर, ओके, स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है मजबूत, और यहाँ पे टी डबल ओ इसका मतलब होता है भी, ठीक है। टी डबल ओ का मतलब क्या होता है, भी, और कैन बी मतलब हो सकते हैं, बन सकते हैं। यानी कि पूरा का मीनिंग क्या हुआ कि कमज़ोर बन सकते हैं मजबूत भी, ठीक है, यानी कि कमज़ोर भी मजबूत बन सकते हैं। इस पूरा का मीनिंग क्या निकला, कमज़ोर भी मजबूत बन सकते हैं। आइए आगे इस स्टोरी का अध्ययन करते हैं। ठीक है, वंस एन अर्थक्वेक शॉक ए विलेज सो बैडली। ठीक है, वंस यानी कि एक बार, अर्थक्वेक का मतलब मैं लिख चुका हूँ, भूकंप होता है, और यहाँ पे ना शोक का मतलब क्या होता है, हिलाया। देखिए, सिक का मतलब होता है, सिक का मतलब होता है हिलाना, और उसका वर्ब सेकंड फॉर्म जो है शोक है, जहाँ जिसका मतलब होता है हिलाया। ठीक है, देखिए, एक बार एक भूकंप हिलाया एक गांव को सो बैडली, इतनी बुरी तरह से, ठीक है, सो बैडली इतनी बुरी तरह से, डैट कि ऑल द पीपुल्स सभी लोग, ऑल द पीपुल सभी लोग लेफ्ट द विलेज, यानी कि गांव छोड़ दिए, ठीक है, गांव छोड़ करके टू लाइफ रहने लगे आइज वेयर कहीं और। ठीक है, यानी कि एक बार एक भूकंप एक गांव को हिलाया, ठीक है, सो बैडली इतनी बुरी तरह, ठीक है, इतनी बुरी तरह हिलाया कि सभी लोग लेफ्ट द विलेज, गांव छोड़ करके टू लाइफ आइज वेयर कहीं और रहने लगे। ओके, ए बिग ग्रुप ऑफ माइक, देखिए माइक का मतलब होता है चूहा, ठीक है, यानी कि चूहों का ए बिग ग्रुप, एक बड़ा समूह, ओके, चूहों का एक बड़ा समूह स्टार्टेड लिविंग, रहने लगे, ठीक है, ठीक है, रहना शुरू कर दिया या फिर रहने लगे इन द विलेज, गांव में, ओके, यानी कि गांव में रहने लगे चूहों का एक बड़ा समूह। द माइक वेयर चूहे थे वेरी हैप्पी, बहुत खुश, देयर यानी कि वहाँ, देयर का मतलब क्या होता है, वहाँ, यानी कि चूहे थे बहुत खुश वहाँ, इसका मतलब यार चूहे वहाँ बहुत खुश थे। ओके, बट आफ्टर ए फ्यू डेज, देखिए बट लेकिन आफ्टर का मतलब होता है के बाद, ए फ्यू का मतलब होता है कुछ, ठीक है, कुछ या फिर थोड़ा, और डेज मतलब दिन, यानी कि कुछ दिनों के बाद, लेकिन कुछ दिनों के बाद ए स्मॉल हर्ड, देखिए एच ई आर डी, हर्ड का मतलब होता है झुंड, ठीक है, हर्ड का मतलब होता है झुंड, यानी कि एक छोटा झुंड ऑफ एलिफेंट, हाथियों के, ठीक है, हाथियों के एक छोटा झुंड, ठीक है, कुछ दिनों के बाद हाथियों के एक छोटा झुंड स्टार्टेड पासिंग, गुजरने लगे, ठीक है, मतलब गुजरना शुरू कर दी या फिर गुजरने लगे थ्रू डैट विलेज, ठीक है, उस गांव की ओर से, ठीक है, थ्रू डैट विलेज का मतलब है उस गांव की ओर से, ओके, यानी कि उस गांव की ओर से गुजरने लगे क्या चीज़ें, तो हाथियों के एक छोटा झुंड। द हर्ड वुड ट्रेम्पल मेनी माइक टू डेथ अंडर देयर ह्यूज फीट। ध्यान दीजिएगा, हर्ड का मतलब है झुंड, और ट्रेम्पल का मतलब है रौंदना या फिर कुचलना। मेनी माइक्स, बहुत सारे चूहे को टू डेथ यानी कि मरना, अंडर देयर ह्यूज फीट यानी कि उनके विशाल पैरों के नीचे, ठीक है, यानी कि झुंडों से, झुंड के उनके विशाल पैरों के नीचे, ठीक है, मेनी माइक्स, बहुत सारे चूहे ट्रेम्पल टू डेथ, ठीक है, रौंद करके, कुचल करके टू डेथ मर गए, ठीक है, मतलब झुंड के पैरों के, विशाल पैरों के नीचे ट्रेम्पल, कुचल करके, मेनी माइक, बहुत सारे चूहे टू डेथ क्या हुआ, मर गए। ओके, दिस मेड द माइक सैड, ठीक है, दिस मेड द माइक सैड, यानी कि इससे चूहे बहुत दुखी हुए, ठीक है, यानी कि दिस मेड, यह बनाया चूहे को बहुत उदास, ठीक है, इसका मतलब यह कि इससे चूहे बहुत दुखी हुए। एंड और दे हेल्ड, देखिए हेल्ड का मतलब था आयोजित करना या फिर बुलाना, यानी कि दे हेल्ड, उन्होंने आयोजित की ए मीटिंग, एक बैठक, ठीक है, यानी कि इससे चूहे बहुत दुखी हुए और वे लोगों ने हेल्ड ए मीटिंग, एक बैठक आयोजित की, एक बैठक बुलाई। इन ए मीटिंग, बैठक में द किंग माउस, चूहे राजा, ठीक है, राजा चूहे सैड, कहा आई विल गो, मैं जाऊँगा टू द किंग एलिफेंट, राजा हाथी के पास, ठीक है, आई विल गो, मैं जाऊँगा टू द किंग एलिफेंट, राजा हाथी के पास, एंड आस्क हिम, और उनसे कहेंगे टू चेंज, बदलने के लिए देयर रूट्स, अपना मार्ग, ठीक है, अपना रास्ता, यानी कि मैं राजा हाथी के पास, मैं
मैं राजा हाथी के पास जाऊंगा और उनसे कहूंगा, ठीक है, अपना रास्ता बदलने के लिए। एज डिसाइडेड, निर्णय के अनुसार, एज डिसाइडेड, निर्णय के अनुसार, द किंग माउस, चूहे राजा, वेंट टू द किंग एलिफेंट, ठीक है, वेंट टू मतलब चला गया किंग एलिफेंट यानी कि राजा हाथी के पास, ठीक है, यानी कि निर्णय के अनुसार, फैसले के अनुसार, चूहे राजा वेंट टू द किंग एलिफेंट, हाथी राजा के पास चला गया, एंड सेड, और कहा, ओह किंग, अरे राजा, सॉरी, ओह किंग एलिफेंट, अरे हाथी राजा, वी आर डाइंग, हम लोग मर रहे हैं, ठीक है, वी आर डाइंग, हम लोग मर रहे हैं, बिकॉज ऑफ यू ऑल, ठीक है, आप सबों के कारण, बिकॉज ऑफ यू ऑल, आप सबों के कारण, ठीक है, प्लीज़ चेंज योर रूट, कृपया चेंज बदल लें योर रूट, अपना रास्ता, ठीक है, कृपया आप अपना रास्ता बदल लें, वेन एवर, जहाँ भी यू नीड अस, ठीक है, वेन एवर, जहाँ भी यू नीड, आपकी ज़रूरत हो अस यानी कि हमारे, ठीक है, हमें या फिर हमारे, ठीक है, जहाँ भी आपको हमारी आवश्यकता हो, वी विल हेल्प यू, ठीक है, हम आपकी मदद करेंगे, वी विल हेल्प, हम मदद करेंगे यू यानी कि आपकी, ओके। द किंग एलिफेंट लाफ्ड, राजा हाथी लाफ्ड, हंसा, एंड सेड, और कहा, यू आर सो स्मॉल, आप बहुत छोटे हो, हाउ कैन यू हेल्प अस, ठीक है, हाउ कैन यू, तुम कैसे सकते हो हेल्प यानी कि मदद, अस यानी कि हमारे, ठीक है, ठीक है, हाउ कैन यू हेल्प अस, तुम, सॉरी, आप कैसे हमारी मदद सहायता कर सकते हो, बट डोंट वरी, परंतु चिंता मत करो, ठीक है, बट डोंट वरी, परंतु चिंता मत करो, वी विल चेंज, हम बदल लेंगे आवर रूट्स, हमारी रास्ता, ठीक है, हम अपने रास्ता बदल लेंगे, सो डैट, ताकि यू ऑल रिमेन सेफ, ठीक है, सो डैट, ताकि यू ऑल, आप सभी रिमेन सेफ, सुरक्षित रह सको, ठीक है। द किंग माउस थैंक्ड, किंग माउस यानी कि चूहे राजा या फिर राजा चूहा, धन्यवाद दिया किंग एलिफेंट यानी कि राजा हाथी को, ठीक है, मतलब चूहे राजा ने राजा हाथी को धन्यवाद दिया, एंड रन अवे, और एंड रन अवे हैप्पीली, और खुशी से दौड़ करके भाग गया, टू टेल, बतलाने के लिए, द गुड न्यूज़ यानी कि खुशखबरी, गुड न्यूज़ का मतलब होता है खुशखबरी, टू ऑल द अदर माइक्स, ठीक है, सभी दूसरे चूहों को, ठीक है, सभी दूसरे चूहों को, टू टेल द गुड न्यूज़, मतलब खुशखबरी बतलाने के लिए, टू टेल द गुड न्यूज़, खुशखबरी बतलाने के लिए, सभी दूसरे चूहे को क्या हुआ कि खुशी से दौड़कर चला गया, ठीक है, ऑल ऑफ देम, उनमें से सभी, ऑल ऑफ देम, उनमें सभी, वेयर ओवर जॉयड, मतलब बहुत खुश थे, ठीक है, टू हेयर, सुन करके, द गुड न्यूज, द गुड न्यूज़ यानी कि खुशखबरी, ठीक है, यानी कि ऑल ऑफ देम, वे सभी, वेयर ओवर जॉयड, बहुत खुश थे, टू हेयर द गुड न्यूज़ यानी कि खुशखबरी, और टू हेयर, सुन करके, ओके। आफ्टर सम डेज, कुछ दिनों के बाद, आफ्टर सम डेज का मतलब कुछ दिनों के बाद, द किंग माउस की चूहे राजा, हेयर, सुना, ठीक है, ठीक है, हेयर का मतलब सुनना, और हेयर का मतलब क्या, सुना, द कॉल ऑफ द किंग एलिफेंट, ठीक है, राजा हाथी के पुकार, ठीक है, कॉल का मतलब है पुकार या फिर आवाज़ें, ठीक है, यानी कि कुछ दिनों के बाद चूहे राजा ने सुनी हाथी राजा की पुकार, ठीक है, चूहे राजा ने हाथी राजा की पुकार सुनी, ओके, ही फेल्ट, उसे लगा डैट कि द एलिफेंट्स वेयर इन डेंजर, ठीक है, हाथी वेयर इन डेंजर मतलब खतरे में है, ठीक है, उसे लगा, ही फेल्ट, उसे लगा, उसे महसूस हुआ कि हाथी खतरे में है, ठीक है, द एलिफेंट हैड बीन्स कॉट इन ए नेट, ठीक है, हाथी जाल में फंसा दी गई थी, द एलिफेंट हैड बीन कॉटेड, हाथी फंसा दी गई थी इन ए नेट, जाल में, एंड और द नेक्स्ट डे, अगले दिन, दे वुड बी टेकन, वे लोग लिए जाएंगे टू द किंग्स कैंप, ठीक है, राजा के शिविर में, ठीक है, अगले अगले दिन वे लोग, ठीक है, दे वुड बी टेकन, वे लोग ले जाए जाएंगे टू द किंग्स कैंप, राजा के शिविर में, ठीक है, राजा के शिविर के पास, टू बी यूज, उपयोग लाने में, ठीक है, उपयोग करने में, इन द आर्मी, सेनाओं में, ठीक है, देखिए सेनाओं में उपयोग करने के लिए राजा के कैंप, राजा के शिविर में, शिविर के पास उसे, उन लोगों को ले जाए जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पेज में देखते हैं इस स्टोरी में क्या है। द किंग माउस शाउटेड, ठीक है, चूहे राजा चिल्लाया टू ऑल द माइक्स, ठीक है, सभी चूहों को, टू ऑल द माइक्स, सभी चूहों को, टू कम विद हिम, ठीक है, उसके साथ आने के लिए, ठीक है, चूहे राजा ने चिल्लाया सबों को, ठीक है, टू ऑल द माइक्स, सभी चूहों को, टू कम विद मी, उनके साथ आने के लिए, दे सॉ, वे लोगों ने देखा द एलिफेंट्स, हाथी को, ठीक है, वे लोगों ने हाथी को देखा,
कॉट इन नेट, यानी कि जाल में फंसे हुए, ठीक है। वे लोगों ने देखा हाथी को जाल में फंसे हुए, ओके। द किंग माउस स्पोक लाउडली, ठीक है, राजा चूहे, ठीक है, द किंग माउस राजा चूहे स्पोक लाउडली, यानी कि जोर से बोला। लाउडली मतलब क्या होता है, जोर से, ठीक है। इनकी राजा चूहे ने जोर से बोला, माई डियर माइक, ठीक है, मेरे प्यारे चूहे, ठीक है, माई डियर माइक मतलब मेरे प्यारे चूहे, दीज एलिफेंट्स, ये हाथी है, हैड चेंज, बदल ले थे देयर रूट्स, अपने रास्ता फॉर अस, हमारे लिए, ठीक है। यानी कि चूहे राजा ने जोर से कहा, स्पोक लाउडली, जोर से कहा, मेरे प्यारे चूहे, दीज एलिफेंट्स, ये हाथी है, हैड चेंज, बदल ले थे देयर रूट्स, ठीक है, अपने रास्ता फॉर अस, हमारे लिए, ठीक है। देखिए, ये हाथियाँ हमारे लिए अपने रास्ता बदल लेते हैं, ओके। नाउ वी मस्ट हेल्प देम, ठीक है, अब वी मस्ट, हमें चाहिए हेल्प देम, उन्हें मदद करना, ठीक है, अब हमें उन्हें मदद करने चाहिए। कम ऑन, आओ, लेट अस बाइट ऑफ, ठीक है, लेट अस बाइट ऑफ दिस नेट, ठीक है, इस जाल को काट दें, हम इस जाल को काट दें, एंड लेट देम फ्री, और उन्हें आज़ाद कर दें, ठीक है, लेट देम फ्री, उन्हें आज़ाद कर दें, ठीक है। ऑल द माइक स्टार्टेड गनाविंग, देखिए गनाविंग का मतलब है कतरना, ठीक है, यानी कि सभी चूहे, ऑल द माइक, सभी चूहे स्टार्टेड गनाविंग, यानी कतरने लगे, एट द स्ट्रिंग्स, है ना, तारों को ऑफ द नेट, जाल के, ठीक है, जाल के तारों को कतरने लगे, ठीक है, सभी चूहे कतरने लगे जाल के तारों को, ठीक है। विथ देयर शार्प टीथ, देखिए शार्प का मतलब होता है नुकीला या फिर तेज, और टीथ मतलब दांत, यानी कि नुकीले दांतों से, ठीक है, विथ देयर शार्प टीथ, अपने नुकीले दांतों के साथ, नुकीले दांतों से जाल के तारों को काटने लगे, कतरने लगे। दे डिड नॉट रेस्ट, वे लोगों ने डिड नॉट रेस्ट, आराम नहीं किए, टिल का मतलब है तक, ठीक है, अब कब तक, तो वो है अ होल नेट, पूरी जाल, वाज कट नहीं गई, ठीक है, पूरी जाल कट नहीं गई, एंड और एलिफेंट वेयर फ्री, ठीक है, हाथी आज़ाद हुए, यानी कि हाथी आज़ाद हुई और पूरी जाल कट नहीं गई, तब तक जो है दे डिड नॉट रेस्ट, वे लोगों ने आराम नहीं किया, अरे समझ में, वे लोगों ने आराम नहीं किया टिल जब तक कि होल नेट वाज कट, पूरी जाल कट नहीं गई, एंड और द एलिफेंट्स वेयर फ्री, हाथी वेयर फ्री, यानी कि आज़ाद नहीं हो गई, ठीक है। द किंग एलिफेंट, राजा हाथी, ठीक है, मतलब हाथी राजा, देन सेड, फिर कहा, थैंक यू सो मच, बहुत ज़्यादा धन्यवाद, मतलब बहुत बहुत धन्यवाद, डियर फ्रेंड्स, प्यारे दोस्त। द किंग माउस सेड, ठीक है, राजा चूहे ने कहा, डोंट वेस्ट टाइम, समय बर्बाद मत करो, किंग एलिफेंट, हाथी राजा, ठीक है, यानी कि हाथी राजा, समय बर्बाद न करो, किंग माउस सेड, चूहे राजा ने कहा, रन अवे, भाग जाओ, फ्रॉम हेयर, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से भाग जाओ, बिफोर द किंग्स पीपुल्स केम टू कैच यू ऑल, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बिफोर पहले, किंग्स पीपुल, राजा के लोग, कम टू कैच, पकड़ने आए यू ऑल, आप सबों को, ठीक है, यानी कि यू ऑल, आप सबों को पकड़ने आए राजा के लोग, ठीक है, राजा के लोग आप सबों को पकड़ने आए, उससे पहले, ठीक है, रन अवे, भाग जाओ, फ्रॉम हेयर, यहाँ से, ओके। डोंट वरी, चिंता मत करो, वी विल, हम रहेंगे, ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा, ठीक है, रिमेन फ्रेंड्स, यानी कि दोस्त, यानी कि वी विल ऑलवेज रिमेन फ्रेंड्स, हम लोग हमेशा दोस्त रहेंगे, हेल्पिंग ईच अदर, यानी कि एक दूसरे की मदद करने के लिए, ठीक है, एक दूसरे को, ईच अदर का मतलब क्या होता है, एक दूसरे, ठीक है, यानी कि एक दूसरे को मदद के लिए हम हमेशा, वी विल ऑलवेज, हम लोग हमेशा रहेंगे दोस्त, ठीक है। द किंग एलिफेंट, हाथी राजा या फिर राजा हाथी कहा, थैंक्स अगैन, यानी कि फिर से धन्यवाद, यू ऑल लुक्स, ठीक है, यू ऑल लुक, आप सभी दिखते हैं सो स्मॉल, ठीक है, बहुत छोटा, एंड वीक, और कमज़ोर, ठीक है, यानी कि हाथी राजा ने कहा, थैंक यू, थैंक्स अगैन, मतलब फिर से धन्यवाद, आप सब देखते हैं, यू ऑल लुक, आप सब दिखते हैं सो स्मॉल एंड वीक, ठीक है, बहुत छोटा और कमज़ोर, बट परंतु यू ऑल आर, ठीक है, आप सभी हैं रियली, वास्तव में, ठीक है, रियली यानी कि वास्तव में, सचमुच में, ए बिग बिग एंड स्ट्रॉन्ग, ठीक है, बड़ा और मजबूत, ओके, यानी कि वास्तव में आप सब क्या है, यू आर रियली, आप वास्तव में आप सब बड़ा और मजबूत हैं। तो फ्रेंड्स, ये स्टोरी आपका यहीं पे समाप्त होती है, और मैं ऐसा करता हूँ कि आपको पसंद आए होंगे, कैसा लगा स्टोरी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं इसे किसी शानदार स्टोरी के साथ, तब तक रखिए अपना ख्याल, बहुत सारे प्यार, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।